जैसे आप लोग पधारे ऐसे बहुत लोगों के सत्संग में भीड़ होती है। हम सत्संग एक शेर जी आते हैं, दुकानदारी का काम काज करते हैं, महाराज पद है मंगलाचरण ले ही, फिर बाद में सत्संग प्रारंभ ले ही। कई लोग मंगलाचरण है नहीं समझे, स्तुति बोला मंगलाचरण बोला ब्रह्म स्तुति करा गुरु वंदना करा जगह लोग है नहीं करे कैसे भी बंद कर बोलो राम। सत्संग का मुख्य सार है मंगलाचरण। मंगलाचरण क्यों करते हैं, गुरु वंदना क्यों करते हैं? मंगलाचरण करते करते श्रवण करते करते दिल विकसित हो जाए, दिल खिल जाए, फिर खिला हो दिल में ही सरज का असर होता, सरज का चोट होता है। बोलो राम। दिल सुकुरियोड़ो है, सब असर नहीं करेगा, चोट नहीं करेगा। सत्संग में हम मंगलाचरण करते हैं, गुरु वंदना करते हैं, जिज्ञासु भाई बहनों का दिल विकसित हो जाता, बोलते बोलते सुनते सुनते सब सत्संग का असर होता है। आप किसान बरसात के पहले खेती में कसन क्यों करते हो रे, क्यों करते हो? भूमि को कोमल करने के लिए, मुलायम करने के लिए उनको खिलाते हुए। बरसात होते ही विशेष बरसात को भूमि में असर हो जाता है, घर होते बैठ जा रहे, और ऐसा ही होता है। जिन खेत में आपने कसम नहीं कमाया, बरसात बरसी चलो बरसे बह गया, नीचे हुकड़ो ही पड़ी। मंगलाचरण के बिगर दिल सबका सुकड़ो रह, सुकड़ा दिल में सब को असर नहीं रहे भाई। इसलिए मंगलाचरण करते समय भाव